मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ रूबी नेगी और वक्त हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद से नए अध्यक्ष पद के लिए जारी तलाश आखिर थम गई है और एक बार फिर से सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष चुन लिया गया है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में आई बाढ़ के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक के बेलागावी जिले में बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद वहां पर हालात खराब होने का दावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया था, जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने खारिज करते हुए कहा कि पिछले एक हफ्ते से घाटी में शांति है और यहां पर कोई भी अप्रिय चीजें नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने एक बार फिर से कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए इसी मुद्दे पर उसे घेरा और कहा कि पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ही इन सब के जिम्मेदार थे। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अणुओं की खोज चरक ऋषि ने की थी। उन्होंने आगे कहा कि अगर भविष्य में चलता फिरता कंप्यूटर आप देखेंगे तो यह संस्कृत के कारण ही संभव होगा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच जारी खींचतान के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर आज चीन की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। इस दौरान वह चीन में सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के आदान प्रदान पर भारत चीन उच्च स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। सपा नेताओं के पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और माना जा रहा है कि इस कड़ी में जल्द ही समाजवादी पार्टी के नेता सुखराम सिंह यादव और विशंभर प्रसाद निषाद भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें कि कानपुर और बांदा का प्रतिनिधित्व करने वाले ये दोनों नेता मुलायम सिंह के सबसे खास माने जाते हैं। पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में भाजपा व तृणमूल कांग्रेस की बढ़त को रोकने के लिए कांग्रेस और माकपा ने आपस में गठबंधन कर लिया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से परेशान पाकिस्तान समुद्र के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि इस खबर के बाद भारतीय नौसेना और वायुसेना ने कहा है कि वह किसी भी तरह के हालातों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर के दौरान बंगाल में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि दर्ज करने का दावा करते हुए कहा है कि 2018-19 में राज्य की जीडीपी वृद्धि पर 12.58% रही है, जबकि देश गहरी आर्थिक सुस्ती से गुजर रहा है। आर्टिकल 370 के मामले में समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस की सेवा बंद करने के बाद इमरान खान सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली सभी बस सेवाओं को भी रोक दिया है। पेट्रोल डीजल के दामों में आज गिरावट दर्ज की गई है। इस कड़ी में राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 9 पैसे प्रति लीटर की कटौती हुई है, वहीं डीजल आज 15 पैसे सस्ता हुआ है। इस कटौती के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 71.99 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि 1 लीटर डीजल के लिए आपको 65.49 रुपए चुकाने होंगे। सोनिया गांधी के कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष चुने जाने को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अच्छा निर्णय बताते हुए कहा है कि सोनिया गांधी जी को वापस देखकर प्रसन्नता हुई है, उनका अनुभव और समझ कांग्रेस को गाइड करने में मदद करेगा। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि शीला जी के साथ मेरा जुड़ाव मेरे राजनीतिक करियर से भी लंबा है, सबसे बुरे दौर में भी वह मेरे साथ खड़ी रहती थी। 3 तलाक कानून बनने से उत्साहित वाराणसी की मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाथ से राखी बनाकर भेजी है, जिसे कुछ मुस्लिम मौलानाओं ने सराहा है और तो कुछ ने इसे सस्ते प्रचार का तरीका बताया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने हर पंचायत में तिरंगा फहराने के लिए सिल्क और खादी के 50,000 खास झंडे दिल्ली से मंगवाए हैं, जिन्हें कार्यकर्ताओं एवं पंचायतों को दिए जाएंगे। आपको बता दें कि नए बने केंद्र शासित प्रदेश में 15 अगस्त के मौके पर 4,000 से ज्यादा पंचायतों में ये झंडे फहराए जाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर सूबे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 8 IAS और 10 सीनियर PCS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधान न्यायाधीश के अलावा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 किए जाने संबंधी एक विधेयक पर दस्तखत कर दिया है। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय संशोधन विधेयक को इसी सप्ताह संसद की मंजूरी मिली थी।
उत्तर प्रदेश के महोबा से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र तिवारी बता रहे हैं कि महोबा के सुगीड़ा गांव के निवासी रघुराज राजपूत ने कुलपहाड़ थाने के उप निरीक्षक पर 50,000 रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि वह एक पारिवारिक मामले की FIR करवाने थाने गए थे, जहां उप निरीक्षक रमेश कुमार ने इसके लिए 50,000 की मांग की और कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो धारा 325 लगा देंगे। हेलो हेलो, हाँ कहानी नहीं रहती मगर क्या रहती नहीं रहती पैसा की नहीं है अबे व्यवस्था। हाँ तो मार पाल नहीं रहती कौन नहीं दे। हाँ हाँ कौन नहीं दे। हाँ हाँ कितनी है अबे कल को नहीं है हमारे पास तो कछु है तो कल नहीं दे कछु नहीं करने हमें। हाँ बिड़े रहा कराते हम कोई है का आओ तो आओ फिर आओ नहीं हाँ काका ये हम बता पैसे नहीं में लग जाए लगेंगे कितने लगने अभी बता नहीं तो 5,000 रुपए ये कह दीजिए आप 5 हाँ कराते हम कितनी बीयर आलो कितनी बीते आलो अब टाइम तक ऐसे कब टाइम नहीं बात कितने टाइम का नहीं चाहिए जल्दी हो जाए यहाँ पे। हाँ हाँ जल्दी हो जाए यहाँ पे इसे कर लूँ। हाँ उन्हें से बात करो साहब। हाँ हाँ हेलो हाँ हाँ जो बता दो तुम हम कितनी टाइम तक आ जाएं और मतलब कितनी टाइम तक हो जाए काम होता ही ना तो दो आज को जल्दी जावे दो आज मेरी बात सुनो। हाँ जाके राजू को दे देना। राजू को। हाँ राजू को दे देना। हाँ ठीक है। हाँ हाँ इनका जो 325 नहीं लगेगी। हाँ ठीक ठीक है 5 ही दें कि ज्यादा कम। हाँ बिहार के पटना से हमारे संवाददाता राजेश कुमार बता रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू के राज्यसभा सांसद RCP सिंह ने कहा है कि जेडीयू आगामी विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के तर्ज पर ही भाजपा के साथ मिलकर उतरेगी और इनमें सीटों का बंटवारा भी उसी आधार पर होगा। और हम लोगों ने जो अपना लक्ष्य रखा है कि हर एक पंचायत पर और हमारे हर एक बूथ पर हमारे सदस्य बनेंगे और जो बन रहे और सभी पार्टियों की सदस्यता अभियान इस वक्त जारी है। हर लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम 5 लाख 25 लाख 10 लाख सबसे ज़्यादा हम सदस्य बना रहे हैं। आप लगातार JDU के लिए मेहनत कर रहे हैं तो बार समीक्षा भी कर रहे हैं आपका लक्ष्य कहाँ तक पहुँचा संख्या के लिए हम बात करें तो लगभग संख्या देखिए ऐसा है कि जो हमारा पूरा का पूरा जो ये सदस्यता अभियान है उसका दो पहलू एक पहलू है सदस्यता अभियान जो हमारे सदस्य बने हैं और एक समय सीमा के अंदर जो बने हैं तो वो हमारा जो पार्टी का सांगठनिक चुनाव है उसमें हिस्सा लिया। दूसरा पहलू ये होता है कि जो हमारा सदस्यता अभियान ये हमेशा चलते रहे मतलब हमारा 3 साल का कार्यकाल होता है हमारी पार्टी का जो भी मुझे पद होते हैं तो हमारा जो अभियान ये चल रहा है वही तो हमारा अभियान चल रहा है जितने हमारे सदस्य बन रहे वो सब लोग इसमें जो हमारा भी चुनाव होगा संगठन का पंचायत का चुनाव होगा वार्ड का चुनाव होगा प्रखंड का चुनाव होगा जिला का चुनाव होगा प्रदेश का चुनाव होगा राष्ट्रीय का चुनाव होगा तो उसके लिए हमारे जो सदस्य अभी जो बन रहे हैं और ये तभी चुनाव संभव हो पाता है जब आपकी जितनी भी इकाई है प्रारंभिक इकाई उसमें से कम 50% जगह लोग जो है बन चुके हैं तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है हम लोगों ने पार्टी के लिए हर एक जगह जितनी संख्या चाहिए उससे ज्यादा लोग बन चुके हैं। और एक बात और है कि हम लोग पहले भी एक अभियान चलाते सदस्य अभियान लेकिन हम लोग समीक्षा कर रहे हैं तो सब लोग इसमें लगे हुए सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भी हमारा सदस्यता अभियान है कहीं कोई फर्जी नहीं इसलिए भी फर्जी हो सकता है अगर हम रसीद देते हैं तो हम लोगों ने उसमें पूर्व संख्या ही डाला है वोटर ID नंबर भी डाला है मोबाइल नंबर भी डाला है तो पहले कई बार तो बहुत चालू लोग होते थे वो कहीं एक वोटर लिस्ट निकाला लोग बना देते थे राम सिंह श्याम सिंह घनश्याम प्रसाद फलना हमारे यहाँ भी सब संभव है जो भी हमारे सदस्य बन रहे हैं
सब सही सदस्य बन रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो मैंने कहा कि हमारा जो बूथ स्तर तक सदस्य बन रहे हैं और हमारा जो भी सांगठनिक चुनाव जो हम लोगों ने अपना एक कैलेंडर जारी किया है उसके अनुरूप काम चल रहा है। तो ये थी दोपहर की फटाफट खबरें, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आप भी रह सके देश और दुनिया की ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट।